This call is now being recorded. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर ना? आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे. ओके, रोहित इज ऑल्सो ज्वाइन. किसी को कोई डाउट है ईआरएम के अलावा? कल के कॉन्सेप्ट्स में कल जो जो पढ़ा उसमें ईआरएम के अलावा कोई और डाउट है तो मुझे बताओ, मैं वो रिवाइज कर देती हूँ एक बार. मैम अनएक्सपेक्टेड लॉस भी करा देना एक बार. अनएक्सपेक्टेड लॉस ना, ठीक है. और कुछ? ये स्ट्रेस टेस्टिंग से सारा करा दो. स्ट्रेस टेस्टिंग से आके का. स्ट्रेस टेस्टिंग से सारे रिवाइज करा दू? हाँ ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि आज अपन फिर ठीक चैप्टर भी खत्म करेंगे, फिर आगे कुछ रहता है तो मुझे बताना वापस से. देखो, है मैम. सिनेरियो एनालिसिस में क्या करते हैं अपन, एक वर्स्ट केस सिनेरियो बनाते हैं, एक बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो बनाते हैं, और फिर आफ्टर ये दोनों के सिनेरियो बनाने के बाद अपन उनको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते हैं, और अपन इसमें तीन अलग अलग, तीन चार, मतलब कितने भी ऐसे, एक नहीं मल्टीपल अपन लोग वेरिएबल्स लेते हैं और उनको डिफरेंट लेवल, एक्सट्रीम लेवल्स को शॉक करते हैं, तो उसे हम लोग सिनेरियो एनालिसिस बोलेंगे. अभी स्ट्रेस टेस्टिंग है, स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ सिनेरियो एनालिसिस, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ एक ही. ओके, टुडे समवन एल्स इज ऑल्सो ज्वाइन. हाय किंजल. ओके, सो स्ट्रेस टेस्टिंग में व्हाट वी डू इज, स्ट्रेस टेस्टिंग में अपन लोग सिर्फ एक कोई भी वेरिएबल लेंगे और उसे स्ट्रेस करेंगे, एंड अपन देखेंगे कि अगर इकोनॉमी कुछ खराब होती है तो फिर वो एक वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है. एंड हम लोग ये जो सिनेरियो एनालिसिस है ना, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, इसको हम लोग दो पैरामीटर्स पे करते हैं. पहला होता है हिस्टोरिकल, दूसरा होता है एस्टिमेटेड वेरिएबल. हिस्टोरिकली सोच मतलब कि हम किसी पास्ट इवेंट को देख के उसके बेसिस पे हम अभी के इवेंट, अभी नेक्स्ट फ्यूचर में क्या इवेंट हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं. एस्टिमेटेड वेरिएबल का मीन क्या मतलब ये होता है कि हमने अभी अपने हिसाब से कोई भी सिनेरियो सोचा कि हाँ आगे जाके ऐसे सिनेरियो में चेंजेस आएंगे तो उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट आ सकती है. अभी ईआरएम पे डिस्कशन करते हैं. ईआरएम में क्या होता है, एक तो जैसे लेट मी गिव यू एग्जांपल, सी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, सप्लाई चेन, फिर टेक्निकल हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया. तो ये कैसा होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रिस्क मैनेज करते हैं, और ईआरएम का मतलब होता है कि हम सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके पूरे कंपनी लेवल पे रिस्क मैनेज करेंगे. और ये जो सेपरेटली मैनेज करते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं सीलोस. तो सीलोस में अगर रिस्क मैनेज हो रही है तो वी विल से सीलो एट डिपार्टमेंट लेवल. और अगर ईआरएम में, ईआरएम का मतलब हम लोग डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं कर रहे, हम लोग को और एट अ कंपनी लेवल पूरा रिस्क मैनेज करते हैं. अब इसमें एक चैलेंज आता है कि ये वार का जो मेथड है वो ईआरएम को लगता है कि इट इज वेरी सिंपलिस्टिक, क्योंकि वो जस्ट एक नंबर बताता है, एक जस्ट नंबर भी नहीं, जस्ट एक थ्रेशोल्ड बताता है कि जैसे कल हमने देखा था 2.5 मिलियन का लॉस एक्सीड होगा तो हम एक्सपेक्टेड लॉस को एक्सीड करेंगे. वो उसके आगे कोई नंबर नहीं बताता, तो वो नंबर बताने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल. इसका जो फॉर्मूला है वो बुक 4 में दिया हुआ है, बट ये एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल वार नहीं कैलकुलेट करता, इट विल नॉट गिव यू द वैल्यू ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस. इसलिए दिस इज द मेजर चैलेंज जो ईआरएम को लगता है. एंड देन जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नीचे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है गोल्स क्या है ईआरएम के. सबसे पहला गोल तो ये है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि हम लोग कंपनी वाइड रिस्क देखें, एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, सारे सारे के सारे, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को नहीं, सारे के सारे डिपार्टमेंट को क्या डिफरेंट डिफरेंट रिस्क फेस कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, जो भी रिस्क वो फेस कर सकते हैं वो सब इंटीग्रेट करके पूरे लेवल पे देखते हैं, एंड देन दे विल स्ट्रेटेजिकली प्लान. यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेट विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसका मतलब होता है रिस्क आर आइडेंटिफाइड अर्ली एंड एड्रेस्ड, एंड देन रिस्क कैन कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज वाइल मिटिगेटिंग पोटेंशियल डाउनसाइड. इसका मतलब है कि हम सबसे पहले इनिशियल लेवल पे सारे रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बेसिस पे हमारी कंपनी को आगे जाके ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए हम लोग सबसे पहले ही सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं सारी रिस्क. देन हाँ, यहाँ पे बहुत, ये जो पैराग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट लर्न दिस ईआरएम में, कि
कि वो कंपनी लेवल पे जस्ट रिस्क नहीं देखते, वो पूरे के पूरे मतलब पूरे पूरे इकोनॉमी के साथ हमारी कंपनी को कनेक्ट करके ईआरएम पूरे रिस्क आइडेंटिफाई करता है, इसलिए ईआरएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्सपेक्टेड लॉस तो मैंने बहुत बार बताया कि एक्सपेक्टेड लॉस एक ऐसी अमाउंट है जो नॉर्मल कंडीशंस में हमारी कंपनी कितना लॉस हो सकता है हमारी कंपनी को, वो एक जस्ट अमाउंट निकालती है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्टेड लॉस का फॉर्मूला देखा था, दैट वाज पीडी इनटू एलजीडी इनटू ईएडी। अभी पीडी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि कितनी चांसेस है कि डिफॉल्ट हो सकता है हमारी कंपनी के अंदर, व्हाट आर द चांसेस। जैसे कोई बैंक ने लोन्स दिया, अच्छा ठीक है, अनएक्सपेक्टेड लॉस का डाउट होंगे। अब ठीक है मैं ये समझाती हूँ, तो एक बार फटाफट समझ लो। ठीक है, पीडी का लॉस, पीडी मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि क्या चांसेस है कि डिफॉल्ट होगा। एलजीडी ईएडी बता देती हूँ उसके पहले, अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितने अमाउंट तक डिफॉल्ट होगा, उसे हम लोग ईएडी बोलते हैं। एंड वॉट इज एलजीडी, जैसे हमें $100 मिलियन का लॉस हो गया, तो ये हमारा ईएडी था कि क्या अमाउंट तक लॉस हो सकता है। अब इसमें समझो हमने 30 मिलियन रिकवर कर लिए, और ये जो $70 बचा था, एट इज 70%, तो जो 70% है ये हमारा लॉस होगा, लॉस गिवन डिफॉल्ट होगा, कि रिकवर होने के बाद भी हमें इतना लॉस और होगा। अभी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड लॉस क्या है ना शिवम, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम से ही समझाती हूँ, इधर देखो। देखो हमने वहां पे देखा था पिछली बार कि जैसे ये 95% है हमारा, 95% के कॉन्फिडेंस लेवल पे हमें 100 मिलियन का लॉस हो सकता है। तो ये जो हमारा 100 मिलियन है, दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस, कि हमने एक्सपेक्ट कर रखा है कि अगर हम 95% चांसेस है कि कोई एक दिन पे हमारी कंपनी को 100 मिलियन या 100 मिलियन से कम का लॉस होगा, एंड देर आर 5% चांसेस। तो ये जो रीजन है ना, टेल रीजन, इधर का, इसे हम टेल रीजन बोलते हैं, इधर ये 5% चांसेस है कि हमारा लॉस 100 मिलियन को एक्सीड करेगा। ठीक है, इट विल एक्सीड 100 मिलियन। तो ये जो एक्सीड करता है ना, दैट इज वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड लॉसेस, उसे हम अनएक्सपेक्टेड लॉस बोलते हैं। और अगर हमारा लॉस कभी 100 मिलियन को एक्सीड करा, तो इसके लिए हम दो रिजर्व्स यूज करते हैं। पहला रिजर्व होगा हमारा इकोनॉमिक कैपिटल, दूसरा रिजर्व होगा हमारा रेगुलेटरी कैपिटल। वो मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था, अभी समझ में आया व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। ओके, अभी आगे कोई डाउट है या फिर आप नेक्स्ट में चले जाएं क्या? रिस्क एंड रिवॉर्ड भी समझ में, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड बेसिक था, अगर रिस्क बढ़ेगी हमारी तो हमारे रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे हम, अगर हम कम रिस्क लेंगे तो हम हमारे रिटर्न्स भी कम एक्सपेक्ट करेंगे। दैट इज द नेचुरल ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब इसके अंदर उन लोगों ने क्या बोला था कि हम इसे देखते कैसे, तो इसमें हम सबसे ज्यादा चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है द पोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी दैट इज मेजरेबल एज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुड बी थॉट ऑफ एज रिस्क एक्सपेक्टेड लॉस। मतलब ये एक अमाउंट है जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, कि हम रिस्क ले रहे तो हमें इतना इतना लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉस इज द अमाउंट। की जैसे हम किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें मालूम होता है कि हाँ एक एक अमाउंट हमारे पास होती है कि अगर कभी हमें लॉस हुआ तो हमें इतना लॉस हो सकता है, लेकिन वो लॉस कभी एक्सीड भी कर सकता है बहुत ज्यादा। और वो जब एक्सीड करता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉस, एंड वो सबसे ज्यादा रिस्की हो जाता है यहाँ पे, जब हम लोग ये नेचुरल ट्रेड ऑफ लेते हैं। लाइक आपने ज्यादा रिस्क ले लिया और कभी आप अनएक्सपेक्टेड लॉस की साइड चले गए, तो दैट वुड बी वेरी रिस्की। अभी यहाँ पे दिस वॉज जस्ट ए एग्जाम्पल, उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एग्जाम्पल दिया था और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड हमेशा लोअर यील्ड पे रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड की क्वालिटी अच्छी है। तो व्हाट विल गवर्नमेंट से कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी गवर्नमेंट बॉन्ड की, क्योंकि ट्रस्ट ज्यादा है इन्वेस्टर्स का उसके ऊपर, ट्रस्ट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट विल से कि मैं कम इंटरेस्ट दूंगी, तो फिर गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट देगी, दैट इज वाई यहाँ पे लोअर यील्ड होती है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हमेशा हायर यील्ड होती है। और अगर लोअर यील्ड है, तो फिर बॉन्ड की जो प्राइस है
वो ज्यादा होगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और यहाँ पे हायर यील्ड है तो फिर बॉन्ड की जो प्राइस है वो लोअर होगी। ये एक स्टेटमेंट मेरा लिख लेना कहीं पे भी आप सब लोग, कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, ये सब लिख लेना, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड्स एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड। ये बुक फोर में बहुत काम आएगा, तो इसको एक बार लर्न कर लेना। एंड देन उसके बाद ये लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आर लिंक्ड टू, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, उसके बाद ठीक है, देयर आई डोंट नो व्हाई रोहित हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके फाइन, चलो रिस्क और रिवॉर्ड के यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने बोला है कि हम लोग पीडी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितनी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के इसमें रिस्क के प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होगी तो कोरिलेशन रिस्क होने के चांसेस है, और इसकी वजह से हमारा, और अगर कोरिलेशन रिस्क हुआ तो इसकी वजह से हमारे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की साइड जाएंगे हम। ये समझ में आया शिवम, ये जो मैंने लाइन बोली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ेगी तो कोरिलेशन ऑफ रिस्क बढ़ेगा। हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अगर बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि बोरोअर की जो कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन है, या तो वो अच्छी नहीं है, या तो कोई एक्सटर्नल इवेंट हुआ है जिसकी वजह से सबकी, जो भी बोरोअर थे उनकी कंडीशंस वीक हो रही है, पे नहीं कर पा रहे वो लोग जो लोन्स उन्होंने लिए थे। तो ये सब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब सिचुएशन आ सकती है, तो इसके लिए वी यूज, इधर वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो मशीन लर्निंग। एंड सबसे ज्यादा कंसर्न हर कोई एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए ही होता है। हाँ, अभी यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, सबसे सबसे ज्यादा मतलब रेलिवेंट एग्जाम्पल है रोग ट्रेडर। रोग ट्रेडर क्या होता है शिवम, टेल मी, कोई और नहीं बताएगा रोग ट्रेडर क्या होता है? डोंट नो। ठीक है, रोग ट्रेडर मीन्स अ ट्रेडर, मैं यहाँ पे बताती हूँ, कल मैंने बताया था। रोग ट्रेडर ऐसे देखो, कोई ब्रोकिंग फर्म है तो वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो आपके लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, दे विल एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। अब वो लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल हैव प्रॉपर नॉलेज कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, लोग कौन से शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, कौन से फ्यूचर्स ऑप्शन क्या कर रहे हैं, उनको पूरा नॉलेज होगा। तो उनको नॉलेज होगा, दैट इज वाई दे कैन एंटर इनटू स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स। ठीक है, दे विल एंटर इनटू स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स विदाउट ऑथोराइजेशन। तो जब भी कोई ट्रेडर ऐसे विदाउट ऑथोराइजेशन ट्रेड करता है, स्पेक्युलेटिव ट्रेड स्पेशली, तो दैट इज नोन एज रोग ट्रेडिंग। और ये जब रोग ट्रेडिंग करते हैं तो इसका एक ही रीजन होता है कि हमारी कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो हम उस रिस्क मैनेजमेंट को कैसे प्रॉपर कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले है तो रिस्क रिकॉग्नाइजेशन बाय फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज एंड डिविजन मैनेजर्स। यहाँ पे बुक वन में हम एक केस पढ़ेंगे निकलीसन का, उसमें उन्होंने बोला है कि हम हमेशा फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग अलग डिवाइड करके रखने का, और दोनों के लिए रिस्क मैनेजमेंट भी डिफरेंट रखने के, सो दैट दोनों साइड का रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो। क्योंकि बैक साइड में ट्रेडर्स बैठते हैं, बहुत सारे फ्रंट साइड में बैठते हैं, बट बैक साइड मेजरली बैठते हैं। तो वी नीड टू हैव अ, हाँ यस यस, ये वाला ना, यस यू कैन दिस वन। हाँ, तो ये जो, तो हमें बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हो गया देवांश? यस,
देन सेकेंड पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और डेली ओवरसाइट होना चाहिए। जो भी ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी रिस्क मैनेज करते कंपनी के, इन सबको डेली ओवरसाइट में रखना चाहिए और रोज रोज चेक करना चाहिए कि व्हाट आर दे डूइंग। लाइक जस्ट चेक फ्रॉम ऊपर ऊपर से चेक कर लेना चाहिए दैट व्हाट दे आर डूइंग, आर दे एंटरिंग इन टू करेक्ट ट्रेड्स, जो भी है दे शुड चेक इट प्रॉपरली। और ये लोग जो रिस्क मैनेज कर रहे हैं देनी उनका भी प्रॉपर इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, बिकॉज देयर मे बी अ चांस कि वो रिस्क मैनेजमेंट टीम और ट्रेडर्स दोनों मिले हुए हो, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना प्रॉफिट जनरेट करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, देन दे कैन डिवाइड इट। तो इसलिए बाद में पीरियोडिक इंडिपेंडेंट ऑडिट भी करते सो दैट ये जो ऊपर के पहले दो फंक्शन है ये दोनों अच्छे से चलते रहे। अंडरस्टूड, सबको समझा? कुछ डाउट है ऊपर अभी भी बता दो। चले आगे नेक्स्ट पे। हाँ टुडे वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ेंगे। हमने ये देख लिया कि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, मिटिगेट कैसे करना है, वो सब आगे आएगा थोड़ा मिटिगेशन वगैरह का नेक्स्ट चैप्टर में। बट आइडेंटिफाई और मेजरमेंट करने के तो दो पॉइंट्स है, दोनों सबसे ज्यादा स्पेसिफिक थे चैप्टर में और वो हमने पढ़ लिया मॉड्यूल वन में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होती है। इसमें ये लोग मेजरली कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ना मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिस भी करवा दूंगी आज थोड़े बहुत एनालिस्ट प्रेप से। दे विल गिव यू अ सिचुएशन और फिर वो सिचुएशन के बेसिस पे वो लोग बोलेंगे कि आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ रिस्क इज दिस। तो एक बार ये इसके प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसके आने के चांसेस है एग्जाम में इसलिए। और इसमें भी मेजरली ना वो लोग टेस्ट कर सकते हैं मार्केट रिस्क पे, क्रेडिट रिस्क पे, या तो ऑपरेशनल रिस्क पे इधर, या फिर दे कैन ऑल्सो टेस्ट यू ऑन रेप्यूटेशन रिस्क। ये चार मेन पॉइंट्स है तो इनको एकदम अच्छे समझना, सारे ही समझना बट ये चार इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को हम ना मार्केट वेरिएबल्स के हिसाब से, मतलब जो मार्केट वेरिएबल्स होते हैं ना वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं, दैट इज मार्केट रिस्क। अब इसको हम चार इसमें डिवाइड करते हैं। पहला इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, सेकेंड इज इक्विटी प्राइस रिस्क, थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज और फोर्थ है कमोडिटी रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क। अभी लेट अस डिस्कस यहाँ पे जस्ट अ मिनट। अभी इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इसका एक सिनेरियो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे यू बाय अ बॉन्ड ऑफ $1,000 विद अ $1,000 विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, ठीक है। हमने एक बॉन्ड खरीदा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें इस बॉन्ड पे 5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है राइज टू 6% एंड न्यू बॉन्ड जो है मार्केट में वो हायर रिटर्न ऑफर करने लग गए। अभी क्या हुआ, आपने कोई बॉन्ड खरीदा, यू आर एक्सपेक्टिंग कि उस पर आपको 5% के रेगुलर इंटरवल्स में इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, बट अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट राइज होकर 6% हो गया और जो न्यू बॉन्ड्स ऑफर कर रहे हैं वो हायर रिटर्न पे ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो 5% हमें मिल रहे हैं हमें लगेगा कम मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट में और सब लोगों को 6% पे मिल रहे हैं। तो दिस इज इंटरेस्ट रेट के रिस्क कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना ये बायर की सी, ये बायर जो है ना बॉन्ड का, लाइक हुआ बायर और इन्वेस्टर ही इज इन लॉस, लेकिन जो इसका सेलर है या इश्यूअर है ही इज इन प्रॉफिट। व्हाई इज ही इन प्रॉफिट, कोई मुझे बता सकते हैं व्हाई सेलर और इश्यूअर इन प्रॉफिट? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? माइक अनम्यूट करके बताओ चलेगा? रॉन्ग भी बताओगे तो नॉट एन इशू, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करो सब लोग। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मार्केट में और जो दूसरे सेलर होंगे जो नए बॉन्ड्स इशू कर रहे उन्हें 6% का इंटरेस्ट बायर को देना पड़ रहा होगा, लेकिन ऐसे क्या है कि अभी भी 5% का इंटरेस्ट दे रहा है तो उसे 1% इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है सब लोगों से।
तो उसे 1% का प्रॉफिट है। तो तो बायर यानी का होना प्रॉफिट, सेलर को कैसे हुआ? क्यों, बायर को सेलर को प्रॉफिट हुआ ना, इश्यूअर को प्रॉफिट हुआ बॉन्ड के, क्योंकि बायर को जो बाय करता है ना बॉन्ड उसे इंटरेस्ट मिलता है और जो सेलर है उसे इंटरेस्ट अच्छा देना हाँ मिलता हाँ है। ये हाँ सर, पॉइंट क्लियर है ना, ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो मुझे बोलो, मैं एक बार डायग्राम से एक बार पूरा समझा देती हूँ, बिकॉज ये ना बहुत बॉन्ड इजी। बॉन्ड था, बॉन्ड से समझ में नहीं है, बॉन्ड अब समझ में आ गया। समझ आया अभी? हाँ और तीनों क्लियर है, यश, रोहित, देवांश, क्लियर है ना ये पॉइंट? इसमें हाँ, ओके। तो यहाँ पे ये 1% का जो प्रॉफिट है ये हमें इश्यूअर को, जो बॉन्ड इश्यूअर है ना उसे हो गया प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पे या तो बायर को भी हो सकती है, बॉन्ड इश्यूअर को भी हो सकती है और इन्वेस्टर को भी हो सकती है, दोनों को ही हो सकती है। तो इफ तो फिर यहाँ पे इन लोगों ने इम्पैक्ट क्या बोला है, हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे बॉन्ड को। देखो अब बायर को इंटरेस्ट रेट उतना तो मिल नहीं रहा है जितना उसको मार्केट में मिलना चाहिए, तो वो क्या सोचेगा कि मैं ये बॉन्ड को सेल कर देता हूँ और कोई नए बॉन्ड में एंटर कर लेता हूँ। लेकिन जो मार्केट में सारे बॉन्ड्स होंगे उसके कंपैरिजन में इस बॉन्ड की प्राइस अभी कम होगी, इसलिए उसको सेल करने में भी दिक्कत होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। एक बार पढ़ लो ये, फिर उसके बाद वापस से अपन डिस्कस करते हैं क्या हो गया। एक बार इंटरेस्ट रेट रिस्क का पॉइंट पढ़ो आप लोग, यहाँ बुक में मैं जस्ट ओपन कर देती। हाँ यहाँ पे एक बार यहाँ तक पढ़ो, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो पहले पैराग्राफ में, यहाँ से लेके यहाँ तक। हो गया, सबको समझ में आया ना ये इंटरेस्ट रेट? ये सब ध्यान से सुनना ठीक है, ये सब आगे जो भी रिस्क है और इनके जो ये जैसे मार्केट रिस्क का ये जो मल्टीपल्स है ना, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इनके सब बुलेट पॉइंट्स भी अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि इसी में से एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन आएंगे, और फिर में से सब केस स्टडी आएगी। नेक्स्ट पे चले, इक्विटी प्राइस रिस्क, ये मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिखे, आप लोग बाद में देख लेना। ये कोरिलेशन वो लोग मतलब जस्ट इमेजिन करके रखते हैं, कैसा कोरिलेशन हो सकता है, अजम्पशन पे हम लोग देख के चलते हैं। चलो इक्विटी प्राइस रिस्क करते हैं। इक्विटी प्राइस रिस्क कैसे होते हैं, दो तरह की होती है, एक होती है जनरल मार्केट रिस्क और एक होती है स्पेसिफिक रिस्क। अब जनरल मार्केट रिस्क का मीनिंग क्या होता है, सिस्टमिक रिस्क, इसको हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज सिस्टमेटिक रिस्क? सिस्टम में फेलियर हो जाएगा, क्या
क्या शिवम, मेरे को सुनाई नहीं दिया अच्छे से, एक बार बोलो। किसी को पता है व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ ना नहीं बोलोगे मुझे कैसे समझ में आएगा, थोड़ा तो मुझे बताओ। आई गेस सिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं जो स्पेसिफिक क्या कहते हैं डिश पे होते हैं और इंटरवल पे होते हैं। नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे कि जैसे जो पूरे मार्केट को जो इम्पैक्ट करे ना रिस्क, जैसे हर बिजनेस को इम्पैक्ट करे वो रिस्क, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। जैसे कोविड आया तो कोविड ने ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, उसे हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। और स्पेसिफिक रिस्क क्या होती है कि वो रिस्क जो सिर्फ हमारे बिजनेस को, और कोई बिजनेस को नहीं है वो रिस्क। तो जनरल मार्केट रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क के बीच का डिफरेंस याद रखना। और ये भी याद रखना, वो लोग यही टर्म पूछेंगे आपसे सिस्टमैटिक रिस्क करके, कि व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क ये होता है कि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इकोनॉमी को इन मतलब एट ऑल, मतलब पूरे के पूरे स्टेट लेवल पे या हमें इम्पैक्ट कर रहा है, इसे वे एक बिजनेस को नहीं मल्टीपल बिजनेसेस को इम्पैक्ट हो रहा है उस रिस्क की वजह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पे लिखा भी है, सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। जैसे जब रशिया का वॉर हुआ तो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट हुआ ना, इसलिए उसे हम मतलब ऐसे जनरल मार्केट रिस्क बोलते हैं। और स्पेसिफिक रिस्क क्या होती है, सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से वो रिस्क आ रही है। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि जनरल मार्केट रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे, व्हाइल स्पेसिफिक रिस्क कैन बी मिटिगेटेड बाय होल्डिंग असेट्स विद लेस परफेक्ट कोरिलेशंस। तो जब कोई मार्केट में ऐसा इवेंट होगा तो उसे कोई भी नहीं, उसे एकदम से कोई भी नहीं पूरा का पूरा मिटिगेट कर सकता, इसलिए जनरल मार्केट रिस्क को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो ये सिस्टमिक रिस्क है, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? बाय होल्डिंग विद लेस परफेक्ट, लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन। अब समझो हम वो एक मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ना बोरोर्स का, तो बोरोर्स का कैसा रहता है कि सब बोरोर्स मिलके एक साथ डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो हम इस सिचुएशन को रिड्यूस कर दे, सब बोरोर्स को हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे चार्ज कर रहे, रेट्स पे लोन देंगे। जैसे किसी बोरोर को 7% देंगे, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि तुम 10% इंटरेस्ट रेट दोगे। तो हम बोरोअर की फाइनेंशियल कंडीशंस देखते हुए उसे हम इंटरेस्ट रेट देंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि कोरिलेशन में बहुत सारे बोरोअर्स एक साथ लॉस करें, वो उसकी सिचुएशन कम हो जाएगी। यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है, मैंने लिया भी है। देखो, एक टेक्नोलॉजी, एक कंपनी का स्टॉक है, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी होगी, उसका स्टॉक है, उसकी प्राइस है $100। लेकिन अगर मेजर टेक इंडेक्स ड्रॉप्स, तो सारी की सारी टेक्निकल कंपनी होगी ना, उस पूरे के पूरे सब कंपनीज को लॉस होगा, सिर्फ एक को नहीं, सारी जो भी टेक्नोलॉजी की कंपनी, सबको लॉस होगा और सबके स्टॉक्स ड्रॉप होंगे। लेकिन इसका तो होगा ही, 85 पे चले जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है जनरल मार्केट रिस्क, ऑल टेक कंपनीज विल गेट अफेक्टेड। अब एक स्पेसिफिक इवेंट का भी इन लोगों ने एग्जांपल दे रखा है। जैसे वही कोई सेम कंपनी है टेक्निकल की, और सेम कंपनी है, वो ऐसा बोलती है कि हमारे यहाँ पे डेटा ब्रीच हो गया, तो वो सिर्फ एक ही कंपनी का होगा, वो हर कंपनी में नहीं होगा कि एक कंपनी में हो तो सब कंपनी में डेटा ब्रीच हो गया, सिर्फ एक ही कंपनी में होगा, तो ये कंपनी के स्टॉक पे स्पेसिफिकली अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी मार्केट में जितनी भी टेक्निकल कंपनीज है सबके सबका मार्केट का सबका मतलब मार्केट का जो भी स्टॉक होगा वो डाउन जाएगा, सिर्फ एक कंपनी का जाएगा जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से ऐसा लॉस हुआ, ऐसी रिस्क आई। एक बार जस्ट रीड कर लो, ये एग्जांपल पढ़ लो, 2 मिनट देती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर का पैराग्राफ भी रीड कर लेना। समझा ना सबको इक्विटी प्राइस रिस्क क्या होता है? यस मैम। यश, समझ में आ रहा है? ओके चलो,
ऊपर कर दूँ, ऊपर एक बार ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लोगे? चलो एक बार ये पढ़ लो, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, ये एक बार रीड करके रखना जब तक मैं आ रही। ये टर्म याद रखना, सिस्टमैटिक रिस्क। चले आगे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अब इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि जब भी हम कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं, फॉरेन ट्रेड्स इन द सेंस, कोई फॉरेन ट्रेड में एंटर कर रहे हैं और हमने वहां पे पोजीशन ली है और हमने उस पोजीशन को अनहेज्ड रख दिया, तो अनहेज्ड रखा तो क्या होगा कि करेंसीज की वैल्यू तो ऑलवेज चेंज होती रहेंगी, तो वो जो वैल्यू का चेंज होगा ना, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, जैसे कोई यूएस कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करती है गुड्स फ्रॉम यूरोप एंड अर्न्स 1 लाख यूरोस अर्न करती है वो, लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट है यही चेंज हो गया। अगर ये एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट 1 यूरो का 1.2 डॉलर पे चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से कंपनी विल रिसीव 1,20,000, 1,20,000 डॉलर रिसीव करेगी। अब इन द सेंस कि अब कभी अगर यूरो वीक हो गया, वीक होके क्या हुआ, 1 यूरो की जगह पे 1.1 डॉलर हो गया, तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो जाएगा क्योंकि ये क्या, यूरो घट गया तो यूरो को लॉस हुआ, तो इसकी वजह से हमें भी लॉस हो जाएगा। तो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। समझ में आया? यस मैम। हाँ, ये एक बेसिक सा, इसमें एकदम बेसिक याद रखने का, कहीं पे भी आपको करेंसी दे दी हो ना, फॉरेन की करेंसी, और उसके अंदर फ्लक्चुएशंस दे रखे, तो उसका आंसर यही होगा कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जब थर्ड बुक में से आएंगे, एफएमपी में से, तब इट विल बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार रीड कर लो ये, और इसके ऊपर वाला भी रीड कर लो, यही रीड कर लो, थोड़ा सा ही है, श्वेजर है ना सबके पास, नीचे भी है थोड़ा सा पोर्शन, ये तो मैंने बीच में एक पेज ऐड कर रखा है। तो श्वेजर में से ही रीड करना है ये वाला पार्ट, मैं देती हूँ 37 तक टाइम, एक बार रीड कर लो। यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पे पहले 1,20,000 रिसीव हुआ था, यूरो कम हुआ तो 1,10,000 रिसीव हुआ सिर्फ, इससे बेटर है ही वुड हैव बीन एंटर इन फॉरेन, फॉरवर्ड में अगर एंटर करा होता ना तो वो ज्यादा बेटर होता। फॉरवर्ड में एंटर करते हैं तो हमारी प्राइस फिक्स हो जाती है, फिर वो फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड नहीं करती।
हो गया, चलो आगे चलते हैं। अभी कमोडिटी प्राइस रिस्क के बहुत कम रेलेवेंस है कि ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल अपन पढ़ लेते हैं कि ये ना प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ कमोडिटीज पे चलती है। कमोडिटीज क्या होते हैं, जैसे मेटल हो गया, सिल्वर हो गए, गोल्ड हुआ, कोल हुआ, ये सब जो होता है ना, ये सब वो हमारी कमोडिटीज में आता है। बोल तो जान दो कि तीन, गोल्ड हुआ, ये सब जो होता है ये सब कमोडिटीज होती है। तो इसके अंदर जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है ना, तो इसकी वजह से हमें कमोडिटी प्राइस रिस्क हो सकती है। एग्जाम्पल ऊपर ले रखा है कि जैसे कोई फार्मर है, वो कॉर्न ग्रो करता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो सेल करेगा $4 पर बुशल पे, लेकिन जो ये $4 कब कर रहा होगा, जब पूरी इकोनॉमी में ड्रॉट चल रही होगी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो ड्रॉट है ये रिड्यूस हो गई, और फिर जो प्राइस है ये 6 हो गए, 6 रुपीज हो गए पर बुशल के, बेनिफिटिंग द फार्मर। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता कि ये जो इसने, अगर ये ड्रॉट है ये बढ़ती और, तो ओवर सप्लाई हो जाता, इसके पास जितना था वो कॉर्न कोई खरीदता ही नहीं, जो ये कॉर्न थे कोई खरीदता ही नहीं से, तो लोग खरीदे इसके लिए वो क्या करते कि वो प्राइस थोड़ी रिड्यूस कर देते, और रिड्यूस करके वो $2 पर बुशल हो जाता। तो मैम ड्रॉट में तो रेट बढ़ती है ना? नहीं, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे कंडीशन ही दूसरी बताई ना, कि अगर ओवर सप्लाई हो गया, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो गया, तो हर किसी को बहुत सारा मिलेगा ना। अच्छा ठीक, मैंने बोलने में आई थिंक गड़बड़ करी थी। अगर ओवर सप्लाई हो गया, ओवर सप्लाई होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हो गया, तो मतलब हर जिसको कौन चाहिए उसको कौन मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे कौन के रेट्स कम हो जाएंगे। फिर समझ में आया, ये बेसिक है एकदम। कमोडिटी प्राइस रिस्क मतलब ये गोल्ड के, सिल्वर के, मेटल के प्राइसेस में कोई भी चेंज आता है उसको हम कमोडिटी प्राइस रिस्क बोलते हैं। एक बार रीड कर लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रेडिट रिस्क। चले आगे, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कोई मुझे बेसिक, एकदम बेसिक बताओ, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कोई भी बताओ। हमने पूरे चैप्टर में क्रेडिट रिस्क बहुत पढ़ा है, तो मुझे एक बेसिक बता दो कि व्हाट इज क्रेडिट रिस्क। कोई काउंटर पार्टी या फिर कोई अदर पर्सन फेल करता है वो रिपे करने में, हाँ करेक्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हो जाता है उसमें। डिफॉल्टिंग। इसका इसका बेसिक, जो मैं कब से बैंक का एग्जांपल दे रही हूँ ना, इसका वही सबसे बेसिक एग्जांपल है कि कोई बैंक है, वो लोन दे रहा है और जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर दे, तो ये क्रेडिट रिस्क हो जाती है बैंक के लिए। अब इसमें सबसे पहला ही डिफॉल्ट रिस्क है हमारा। इसमें क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन लोन। इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, पहला तो बैंक ने लोन दिया, मेरे को एक पेज चाहिए, यहाँ पे ही लिख देती हूँ। जैसे कोई बैंक है, बैंक ने किसी भी कस्टमर को लोन दिया, समझो ये कोई कस्टमर है, ठीक है, इसने लोन दिया $100 मिलियन का लोन लिया इसने बैंक से, और बैंक ने बोला दैट यू हैव टू पे 10% ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, लेकिन ही डजंट पे द इंटरेस्ट, या फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट, या तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रहा है। मतलब उसको क्या करना है, जैसे उसे हर महीने $10 प्लस $50 इतना रिटर्न करना है बैंक को,
50 नहीं रखते हैं, $500 रख देते हैं, ठीक है। इतना उसे रिटर्न करना है, तो 100 मिलियन लोन था, तो अगर उसे इतना रिटर्न करना है तो ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट और ये होगा इंटरेस्ट। अब समझो ही डजंट पे द इंटरेस्ट तो भी डिफॉल्ट होगा, और अगर प्रिंसिपल नहीं पे करेगा तो भी डिफॉल्ट रिस्क होगी, या फिर दोनों भी नहीं पे करेगा। अब सेकंड हो गया बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, बैंक कोई कंपनी को लोन दे रहा था, एंड जो कंपनी को लोन दे रहा था कंपनी अब उस कंडीशन में नहीं है कि कंपनी वापस से अपना लोन लोन पे बैक कर पाए विद इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि काउंटर पार्टी विल स्टॉप ऑपरेटिंग कंप्लीटली, जो कंपनी है वो पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गई, और वो मतलब ऑपरेट नहीं कर रही है, तो वो ऑपरेट ही नहीं करेगी तो वो कहाँ से हमारा जो हमने लोन दिया था वापस से रीपे करेगी। तो इसमें क्या होगा, वो रीपे नहीं करेगी, लेकिन जो उसके असेट्स होंगे वो हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसी भी चांसेस हो सकती है कि जो असेट्स की वैल्यू है वो लोन की वैल्यू से कम हो, जो लोन प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू उससे भी कम हो असेट की वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो भी पेंडिंग अमाउंट है, जो उसने अभी तक पे नहीं किया है कंपनी ने। तो ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है, जैसे समझो ये अमाउंट है $1,000 मिलियन की, और कंपनी के जो असेट्स है, असेट्स की वर्थ सिर्फ $700 मिलियन है, तो कंपनी को $300 का लॉस हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं बैंकरप्सी रिस्क। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अभी डाउनग्रेड रिस्क। डाउनग्रेड रिस्क में कैसा होगा, डाउनग्रेड रिस्क में चांसेस है कि बैंक को लॉस हो सकता है, लेकिन 100% चांसेस नहीं है कि बैंक को लॉस हो गई। तो इसमें कैसे होता है कि बैंक ने जैसे कोई नो 100% चांसेस नहीं है कि बैंक को लॉस होगा, या फिर जो हमारी काउंटर पार्टी वो डिफॉल्ट करेगी, जस्ट चांसेस बढ़ जाते हैं काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट करने के। जैसे हमारी काउंटर पार्टी कोई कंपनी है और कंपनी को रेटिंग मिलती है, जब हमने कंपनी को लोन दिया था, वाइल गिविंग लोन कंपनी की रेटिंग थी AAA थी, समझो AA थी, और जब जब वो ये सब प्रोसेस चल रहा था कि वो लोन पे बैक कर रहा था, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल देते जा रहा था, और कुछ अमाउंट स्पेसिफिक बची हुई थी, तो वही टाइम पे क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम कंपनी की जो रेटिंग है ये AAA से गिर के बी हो गई। तो बी तो नहीं हो गई, बी इज टू मच, ए हो गई। तो कंपनी हल्की सी डाउनग्रेड हुई, तो इधर क्या लगेगा, इधर इनको ऐसा लगेगा कि अब कंपनी के पास हमारा पैसा है। अगर कंपनी की रेटिंग नीचे गई है, इसका मतलब है कि कंपनी लॉस, मतलब कंपनी हमें रीपे ना करे मनी, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो जब भी कोई कंपनी डाउनग्रेड होगी ना, तो बैंक उसे बोलेगा कि चलो अभी तुम ए हो गए ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट अमाउंट हम बढ़ा देंगे। समझो पहले इंटरेस्ट 7% ले रहे थे, तो अब 7% को इंक्रीज करके वो 8.5% कर देंगे, वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो फिर ये जो गैप है ना, इनकेस कभी वो डिफॉल्ट किया, तो ये जो 1.5% है वो डिफॉल्ट के इस अमाउंट से हम वो डिफॉल्ट के अमाउंट में से थोड़ा सा अमाउंट रिकवर कर ले, इसे डाउनग्रेड रिस्क बोलते हैं। समझ में आया? सब समझ में आ रहा है ना? सब लोग हाँ हाँ बोल रहे हो, परफेक्ट समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी 1 महीने बाद ही एग्जाम है, सब दिमाग में याद रहना चाहिए। अभी सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क बेसिक है एकदम, कि अगर कोई एक पार्टी गेन करेगी तो एक पार्टी ऑफकोर्स लॉस करेगी, तो जो लूजिंग पार्टी है उसको उसको हम लोग बोलते हैं कि काउंटर पार्टी रिस्क होगी। ये बार पढ़ लेते हैं। That one of them is going to have a net gain and other is going to have a net loss. इसका एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि जैसे कोई एक इन्वेस्टर था, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसको गेन हुआ $5 लाख का, और जो काउंटर पार्टी होगी उसको लॉस होगा, तो उसको कितना लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ डॉलर 5 लाख का लॉस होगा उसे। द काउंटर पार्टी मस्ट पे दिस अमाउंट, तो काउंटर पार्टी को जिसे प्रॉफिट हुआ, समझो यहाँ पे बताती हूँ, ये ए है ये बी है,
तो ए को, इन केस ए को अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो बी को 5 लाख का लॉस हुआ होगा। इसका मतलब बी को ए को देना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट बी को ए को देनी पड़ेगी 5 लाख, क्योंकि बी इज इन लॉस। बट अब ऐसा हो सकता है ना कि बी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ए को 5 लाख दे, तो बी क्या बोलेगा कि मैं 4 लाख दे तो 1 लाख आई डोंट हैव, तो ये जो 1 लाख उसने नहीं दिए, सेटलमेंट पूरा हो जाता अगर वो 5 लाख दे देता तो, बट उसने 5 लाख नहीं दिए, उसने सिर्फ 4 लाख दिए, तो ये हमारी सेटलमेंट रिस्क होती है कि सेटलमेंट पूरा ही नहीं हुआ। तो ए को पूरा 5 लाख का प्रॉफिट था, उसमें भी उसे भी 1 लाख का लॉस हो गया जस्ट बिकॉज बी ने पे नहीं किया। समझा? दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट रिस्क, और दूसरी लैंग्वेज में इसे हम हर्ट स्टार्ट रिस्क भी बोलते हैं। आता नहीं है ऐसा, बट स्टिल जस्ट एक वर्ड रिमेम्बर कर लेना अगर याद रहे तो। एंड हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि अभी हम पहले वहां पे पढ़ के हैं, बट ये जो 4 लाख है ना, ये 4 लाख में से 1 लाख नहीं पे किया, तो ये 1 लाख क्या हुआ, एलजीडी हुआ, और ये 4 लाख वो वाली अमाउंट हुई कि ये अमाउंट हम रिकवर कर पाए। अब एक बार ये पोर्शन पूरा रीड कर लो, एक बार अच्छे से पूरा रीड करो क्रेडिट रिस्क का। मैं देती हूँ 5 to 5:53 तक का टाइम देती हूँ, एक बार रीड कर लो अच्छे से पूरा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और कहीं भी किसी भी चीज में डाउट है ना, टेल मी, मैं एग्जांपल से वापस समझाऊंगी। बैंक्रप्सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक्रप्सी वाला अच्छे से कर लेना। चले आगे। ठीक Yes, है ठीक है ठीक है, पढ़ो पढ़ो। आप लोगों को मेरी नॉइस प्रॉपर आती है? वैसे मैं ले लूंगी हेडसेट अभी, बट अभी प्रॉपर आती है ना नॉइस की, कोई दिक्कत है? ओके okay. ओके okay. चले आगे चले। चलो नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में दो तरह के रिस्क होती है, पहली होती है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क और दूसरी होती है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। एक बार यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है।
फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि पहला होता है फंडिंग लिक्विडिटी, दूसरा होता है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, और ये जो लिक्विडिटी रिस्क होती है ना बिकम सिस्टमिक। जब हम सिस्टमिक रिस्क का मतलब क्या हुआ, जो पहले मैंने वहां पे दिखाया था सिस्टमेटिक रिस्क मैंने लिखा था, इट कुड लीड ड्यू टू क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क होगी तो क्रेडिट रिस्क की वजह से लिक्विड रिस्क आ सकती है। ये किसकी चीज के कौन से एग्जांपल हुआ, हमने कहा कहीं पे देखा है कि ऐसा कि क्रेडिट रिस्क की वजह से लिक्विडिटी रिस्क आ सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या टर्म बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? करेक्ट, रिस्क कोरिलेशन, करेक्ट। चलो, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो जो भी काउंटर पार्टी है ना वो पे नहीं कर पा रही, हमारा जो जो पे था उसको जितना अमाउंट पे करना था वो इतना अमाउंट पे नहीं कर पा रही है। रिस्क कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री व्हिच हैज अ नेचुरल मिसमैच बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या है, असेट्स और लायबिलिटीज का मिसमैच है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर मिसमैच्ड विद लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर मिसमैच्ड विद लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन इन लोगों ने ले, किसी कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है और उसकी उसकी जगह पे वो लोग ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं, गलत लिखती है। एंड लॉन्ग टर्म लोन को उन लोगों ने मतलब मिसमैच कर रखा है और इसकी जगह पे उन लोगों ने ले रखा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। बट दिस इज रॉन्ग, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म है कुछ, लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, तो फिर लॉन्ग टर्म लोन की जगह पे दे शुड ऑलवेज टेक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, और इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से मिसमैच लेट लेड टू बैंक डिफॉल्ट्स। तो अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन होती है कि बैंक डिफॉल्ट करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। मतलब मिसमैच बना रखा है असेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में मिसमैच है, ये टर्म याद रखना। और अगर इस सिचुएशन की वजह से कभी हमारी कंपनी को कोई भी रिस्क आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। देन सेकेंड है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई स्टॉक खरीद रखा है, समझो मैंने एसबीआई का स्टॉक खरीदा है, मैंने इसे खरीदा था, एसबीआई तो नहीं रखते हैं, समझो मैंने एनटीपीसी का शेयर रख रखा है। ठीक है, एनटीपीसी का शेयर मैंने खरीदा था ₹405 पे, और मेरा टारगेट था कि मैं इसे सेल करूंगी ₹450 पे, लेकिन ये फोर लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है एंड आई एम नॉट गेटिंग दिस प्राइस, और मुझे इसे कम अमाउंट पे सेल करना पड़ेगा। सी आई नीड मनी एंड आई नीड मनी, और मैं अभी इसे 450 पे सेल नहीं कर पा रही, और उसकी जगह पे मैंने इसे सेल किया सिर्फ 443 पे, तो मुझे जो प्राइस चाहिए थी मुझे वो प्राइस नहीं मिली। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि लॉसेस फ्लोइंग फ्रॉम अ टेम्पररी इनएबिलिटी टू फाइंड द नीडेड काउंटर पार्टी। मेरे को चाहिए था कोई काउंटर पार्टी जो मुझे इसका 450 दे, बट मुझे सिर्फ 443 वाला मिला, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, एंड इसे ज्यादातर ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क भी बोलते हैं। इसलिए मैंने वही एग्जांपल दिया एनटीपीसी का। एक बार रीड करो ये दोनों, और डाउट है तो पूछो मुझसे। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। लिक्विडिटी रिस्क, इसमें तीन चीजें यह ध्यान रखना। सबसे पहली तो ये वाली लाइन की लिक्विडिटी रिस्क क्रेडिट रिस्क होने की वजह से लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है, फिर फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्यों हो सकती है, और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क का बेसिक एकदम। ठीक
रीड कर रहे हो ना सब लोग? हो गया देवांश, यश, शिवम हो गया सबका रीड करके। चलो लेट अस गो टू ऑपरेशनल रिस्क। ये सब जो रिस्क है ना, इन सब की पूरी पूरी बुक है आगे जाके लेवल टू में। ऑपरेशनल रिस्क की पूरी बुक है ऑफ 30 चैप्टर्स लेवल टू में। मार्केट रिस्क की 15 चैप्टर की अलग बुक है। क्रेडिट रिस्क की भी अलग बुक है। इसलिए तीनों जो रिस्क है ना, इस तीनों जो भी रिस्क है इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। आगे पूरा बेस है, आगे पूरा इसी में पढ़ना है। चलो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क कोई ऐसी रिस्क होती है जो या तो हमें इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से हो गई, हमारी कंपनी में जैसे कंप्यूटर में कुछ खराबी हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसे हम ऑपरेशनल रिस्क बोलेंगे। या तो कोई ह्यूमन एरर की वजह से हो गई, कोई ह्यूमन एरर ने कोई डेटा एंट्री करने करते टाइम कुछ मिस्टेक कर दी, या फिर कोई एक्सटर्नल इवेंट हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई। तो ये तीन रीजंस के वजह से जो रिस्क होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। देखो यहाँ पे इन लोगों ने बोला भी है, इनएडिक्वेट कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए तो टेक्निकल रिस्क है, टेक्नोलॉजी रिस्क है, इसे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क में डालेंगे। या तो फिर इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट हुआ को तो फिर ये वापस से कोई ह्यूमन एरर हो गई, कोई फ्रॉड हो गया तो वो भी ऑपरेशनल रिस्क में ही आएगा। लाइक लॉसेस ड्यू टू इंटेंशनल फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कौन करेगा? कोई ह्यूमन ही करेगा, कोई ऐसे तो हो नहीं जाएगा एकदम से फ्रॉड, तो इसे भी ऑपरेशनल रिस्क में डालेंगे। एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक कर दी या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो इन सब चीजों को हम लोग ऑपरेशनल रिस्क में डालेंगे। एक बार ध्यान से रीड कर लेना ये वाले सारे पॉइंट, ये एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना। फिर विद इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द लेवरेज नेचर ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन मेक्स देम हाईली ससेप्टेबल टू ऑपरेशनल रिस्क। डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में अगर एंटर करेंगे तो बहुत सारे डेरिवेटिव इन इटसेल्फ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें एंटर करने की वजह से हो सकता है फ्रॉड होने के चांसेस हो, तो इसलिए इन लोगों ने बोला है कि बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो लोग डेरिवेटिव में एंटर करते हैं ना, दे आर मोस्टली वो स्पेक्यूलेशन की वजह से ही एंटर करते हैं। उनको कोई स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स करने होंगे, इसलिए यहाँ पे रोग ट्रेडर का भी एग्जांपल दे रखा है। रोग ट्रेडर मोस्टली एंटर्स इनटू स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स, और उसकी वजह से हम लोगों को ऑपरेशनल रिस्क होता है। इसलिए कंपनी में इंटरनल कंट्रोल होना इज वेरी रोबस्ट, ये याद रखना। ये इंटरनल यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा मार्क करती हूँ, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशनल रिस्क को अगर कंट्रोल करना है तो हमारा जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना, उसे उसे हम लोगों को रोबस्ट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म ही याद रखना, रीड कर लो एक बार ऑपरेशनल रिस्क, ये बहुत इजी है, एकदम बेसिक। अभी तक समझ में आ रहा है ना? Yes, one, yes. ओके।
और आज क्लास एंड होने के बाद सब लोग जो नवंबर वाले कौन है, यश में जो रोहित और शिवम का पता है, यश नवंबर है ना आपका भी, एक बार रुकना 5 मिनट मुझसे डिस्कस करके जाना कि कितना पढ़ाई हुआ है क्या है, उस हिसाब से फिर आगे का प्लान कर लेंगे एक बार जो भी है। हो गया ये ऑपरेशनल रिस्क पढ़ के? इसको हाँ ठीक है, लीगल रेगुलेटरी रिस्क हो गया ये, फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी ये सब मैं यहाँ से समझाती हूँ, ये सब इतने रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल मैं समझा देती हूँ कैसे होता है। लीगल रिस्क क्या, लीगल रिस्क का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ले ही रखा है मैंने। जैसे कोई दो कंपनीज है, वो एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुआ है, उनको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि एक जैसे ये है और ये भी है, ये दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर कर रहे, ये भी है, ये भी जॉइंट वेंचर नाम रख दिया मैंने, कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है। अभी के लिए ये इन लोगों ने कोई जॉइंट वेंचर में एंटर हुआ है। अब हुआ क्या, ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है, यहाँ पे लिखा है वन पार्टी बिलीव दैट अदर इज नॉट फुलफिलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसमें क्या हुआ, ए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है जिसकी वजह से बी को ऐसा लग रहा है कि ए कॉन्ट्रेक्चुअल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहा ढंग से, तो बी क्या करेगा, बी ए पे केस फाइल कर देगा, कोर्ट केस फाइल करेगा। अगर वो कोर्ट केस फाइल कर देंगे तो ये लोग क्या कोर्ट के चक्कर खाने में ही लग जाएंगे, तो उसकी वजह से इनको इनकी जो बिजनेस की कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें कोर्ट के सब एक्सपेंसेस भरने पड़ेंगे, तो वो अलग इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसका कुछ फ्यूचर हमें समझ में नहीं आएगा क्या है, और दोनों ही पार्टी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को होगा, दोनों को फाइनेंशियली और ऑपरेशनली दोनों ही इम्पैक्ट होगा। इसलिए सच काइंड ऑफ रिस्क इज नोन एज लीगल रिस्क। क्या आप कोई केस कोर्ट केस में एंटर हुए हो, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है सिचुएशन जिसकी वजह से कोर्ट बीच में आया है और हमारे बिजनेस को बाद में कुछ लॉस हो रहा है या फिर कोई भी इंक्रीज कॉस्ट आ रही है, तो इसे बोलते हैं लीगल रिस्क। क्योंकि सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर वहां पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ रोहित बोलो, डाउट है कुछ? लीगल रिस्क ये भी होगा ना कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो वो रेगुलेटरी रिस्क, दैट इज रेगुलेटरी रिस्क। ओके ठीक है। हाँ, रेगुलेटरी रिस्क में जस्ट अ मिनट, व्हाट इज रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क ये वही है जो रोहित ने बोला कि कोई जैसे कोई कंपनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी लेंडिंग स्ट्रेटेजी बना, उसने अपनी लेंडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है अभी करंट टैक्स लॉस के फेवर के हिसाब से, उसने अपनी करंट स्ट्रेटेजी बनाई और उस हिसाब से ही वो अपने प्रॉफिट वगैरह सेव करता होगा। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सडनली आके एकदम से कुछ चेंजेस कर दिए उस लॉ के अंदर, जिसकी वजह से उसको ये जो टैक्स बेनिफिट हो रहा था ना वो कम हो गया। वो जो बेनिफिट हो रहा था, जैसे समझो पहले उसे कोई एक ट्रांजेक्शन पे 50 मिलियन का, 50 मिलियन इज टू मच डॉलर, 500 का उसे प्रॉफिट हो रहा था, अब ये लॉ आ गया इसकी वजह से उसे $500 की जगह पे $300 का होने लगा, तो उसका प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया इस लॉ की वजह से। इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी रिस्क, कि कोई लॉ में या फिर किसी भी टैक्सेस में कोई चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारे कंपनी को लॉस होने लगा, थोड़ा सा हल्का सा, नॉट वेरी मच, हल्का हल्का लॉस होने लग गया, उसे हम रेगुलेटरी रिस्क बोलते हैं। एक बार ये पढ़ लो, उसके बाद मैं ऊपर का भी पैराग्राफ पढ़ने दूंगी। हो जाए तो बोलना मुझे। हाँ डन।
ये ऊपर सेम ही है, एक काम करना क्लास के बाद ये रीड कर लेना, इसमें सेम ही लिखा है, वो तो मैंने और थोड़ा एक्सटेंड करके लिखा था वहां पे, ये इसमें एकदम सेम है। अभी पढ़ोगे या फिर क्लास के बाद यू विल रीड इट? क्लास के बाद कर लेंगे। ठीक है ठीक, एक बोल रहा है अभी, एक बोल रहा है, ठीक है चलो एक काम करूँ, पढ़ लो, 2 मिनट देती हूँ, पढ़ लो। ठीक है मैडम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बिजनेस रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क, बिजनेस रिस्क कैसे होता है? जैसे दुबई किसके लिए फेमस है? अरे बिजनेस बीच, दुबई इज फेमस फॉर टूरिज्म। हाँ है ना, तो बेसिक यस क्वेश्चन मैम। पूछा मैंने। दुबई में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं आजकल। अब इन केस अभी बीच में हुआ था ना कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, सब कुछ खराब हो गया था दुबई में, ये केस पता है किसी को? क्लाउड में कुछ हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी, यस मैम, आर्टिफिशियल की वजह से हुआ। हाँ, तो उसकी वजह से क्या वो 3 4 दिन हो सकता है। अब वो अगर लॉन्ग टर्म में चलता, वो तो शॉर्ट टर्म था, इन केस अगर वो सिचुएशन लॉन्ग टर्म में चलती तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या करता है? टूरिज्म इम्पैक्ट करता, और जो जो उसका मतलब पूरा दुबई का जो मेन है वो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता, अगर वहां पे टूरिस्ट लोगों का जाना बंद हो जाता। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इसका मतलब वेरिएबिलिटी इन रेवेन्यूज, वेरिएबिलिटी इन रेवेन्यूज एंड कॉस्ट दैट कैन अफेक्ट अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक रेस्टोरेंट है जो हैविली सीजनल टूरिस्ट की वजह से, हैविली सीजनल मतलब उसके यहाँ पे ज्यादातर सीजनल टूरिस्ट ही आते हैं, लेकिन अगर सीजन ही खराब हो गया तो वो सीजन मतलब कोई सीजन का, यहाँ पे क्या है, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन कस्टमर डिमांड, हाँ, अगर कोई सीजन में ऐसा हुआ कि डाउन टर्न आ गया टूरिज्म के अंदर और उसकी वजह से वो टूरिस्ट नहीं आए, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि कस्टमर डिमांड्स कम हो जाएगी, और जो उनके जो जो उनका रेगुलर प्रॉफिट होता होगा, जो भी उनका प्रॉफिट होता होगा, वो ड्रास्टिकली नीचे आएगा। तो इसे हम लोग यही बोलते हैं कि प्रॉफिट स्क्वीज होते हैं एंड बिजनेस रिस्क आती है। ये टूरिज्म एग्जाम्पल है। अब हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग कोई इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है, और अगर वो इम्पोर्टेंट चीज में कोई लॉस आए तो इकोनॉमी पूरी खराब होगी और जीडीपी भी नीचे आएगा। रीड कर लो एक बार, ये यहाँ से रीड कर लो पूरा, इधर से रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कुछ डाउट है तो पूछ लेना। एमसीक्यू में डाउट था। एमसीक्यू में तो मैं ये खत्म कर दूं एक बार, फिर मुझसे पूछ लेना, तो पर्सनल मैसेज कर देना, तभी हेल्प कर दूं। मैं बस ये बता दूं कि मार्केट वीआर क्या होता है और एब्सोल्यूट वीआर, एब्सोल्यूट मार्केट भी हुआ वीआर क्या एब्सोल्यूट मार्केट, वैल्यूएटर्स। ये कहाँ पे दिया है? आई डोंट नो, मैंने तो ये चैप्टर में नहीं देखा, मुझे एक बार भेज देना, मैं देख लूंगी, मुझे खुद को नहीं पता, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। यस मैम, ये फोरम के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन में था, मतलब ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस में था। मैं एमसीक्यू में भेज दूंगा। ठीक हाँ एक बार मुझे भेजो, मैं देख लेती हूँ। है। हाँ
हो गया रीड करके सबका स्ट्रेटेजिक रिस्क पे चले। हाँ ओके, स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? कोई कंपनी है, समझो कोई यहाँ पे ही दे रखा है कि कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वो सोच रही है कि कोई वो नया स्मार्टफोन डेवलप करने का सोच रही है, तो वो क्या करेगी, वो पूरा अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान बनाएंगे वो अच्छे से। और जैसे ही उन्होंने मार्केट, जैसे ही उन लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी बना के पूरा स्मार्टफोन वगैरह बना लिया, तो वो लोग अच्छे एक्सपेक्टेशंस होंगे उनके कि ये प्रोडक्ट की वजह से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, उनके मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि कस्टमर्स को पसंद नहीं आया ये प्रोडक्ट, और उसकी कस्टमर्स को प्रोडक्ट एकदम अनअपीलिंग लगा। जब वो लॉन्च हुआ तो कस्टमर्स को इतना कुछ खास नहीं लगा, तो इसमें क्या होगा कि उनका मार्केट शेयर डिक्लाइन होगा, ब्रांड रेपुटेशन कम होगी, क्योंकि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई कंपनी कोई ऐसे प्रोडक्ट बना रही होगी नया, और काफी सोच के बना रही होगी कि हम तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो क्या सोचेगी कि अच्छा प्रॉफिट आएगा तो वो लोग सबसे पहले प्रोडक्ट के आने के पहले पे वो लोग उसकी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, तो इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड होंगे कि अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है, अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है। बट आफ्टर प्रोडक्ट लॉन्चेस अगर उन्हें वो प्रोडक्ट आना अपीलिंग लगा, अच्छा नहीं लगा, तो जो कंपनी होगी उसकी रेपुटेशन भी बहुत नीचे गिरेगी। और ये क्यों हो सकता है, ऐसे ऐसा कब हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान फॉल हो जाए, मतलब काम ना करे? तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि जो रिसर्च है वो पुअरली कंडक्ट हुई है, या फिर कोई ना कोई हो सकता है, कोई एक टीम होगी, इसमें क्या होता है बहुत सारी टीम काम कर रही होती है, कोई एक टीम हो सकती है जिसने अच्छे से काम नहीं किया और उसकी वजह से ये चीज हुई है, तो वो चीज पे ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे बोला है रिलैक्सेस इट, ये एक और एग्जाम्पल है। ये तो एक्चुअली ये एग्जाम्पल इन लोगों ने ऐसे दे रखा है कि कोई बैंक है, वो सोचता है कि चलो मैं लेंडिंग स्टैंडर्ड थोड़े कम कर देता हूँ, वो पहले 10% का इंटरेस्ट रेट सोच के लोन से दे रहा होगा, और 10% काफी ज्यादा है, तो ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे होंगे, तो उसने क्या किया 10% को रिड्यूस करके एकदम से 6% कर दिया। अब 6% किया तो बहुत सारे कस्टमर्स आ गए एक साथ, समझो एक साथ 1500 कस्टमर्स इंक्रीज हो गए। अब ये 1500 ने लोन तो ले लिया, जस्ट अ मिनट, 1500 कस्टमर्स ने 6% पे लोन ले लिया, लेकिन फ्यूचर में दे आर नॉट एबल टू पे बैक, तो बैंक को बड़ा लॉस हो गया। तो उन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी सोची थी दैट डिडंट वर्क। जस्ट रीड इट एक बार। हो गया रीड करके सबका? यस मैम। हाँ चलो, रेप्यूटेशन रिस्क ये लास्ट रिस्क है, इसके बाद एक बेसिक, इसके बाद एकदम लास्ट, बस एक लास्ट पार्ट बचेगा चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब रेप्यूटेशन रिस्क क्या होती है, जैसे ऊपर हमने सोच सुना कि कोई स्ट्रेटेजी बनाई और वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, और कस्टमर्स को उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, कंपनी को भी काफी एक्सपेक्टेशन थी, बट वो काम नहीं करा तो क्या होगा, उनकी रेपुटेशन एकदम से कम होगी, ब्रांड रेपुटेशन कम होगी। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, इसे हम लोग रेपुटेशन रिस्क बोलते हैं कि पब्लिक का जो परसेप्शन है, या फिर कस्टमर का जो एक्सपेक्ट, जो हमारी कंपनी के लिए पहले जो वो सोचते थे उसकी जो उसकी अब जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी वजह से उनके परसेप्शन में कोई चेंज आया, और नेगेटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज इन देयर परसेप्शन, ये याद रखना। पॉजिटिव चेंज होगा तो फिर रेपुटेशन रिस्क नहीं होगा, अगर नेगेटिव चेंज हुआ तो ऐसा हो सकता है। अब जैसे कोई बैंक है, उसने कोई मेजर डेटा ब्रीच किया ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी मेजर, उसने ऐसा हो सकता है कि उसकी साइबर सिक्योरिटी उसने एकदम अच्छे से नहीं कर रखी होगी, उतना अच्छे से दे आर नॉट मैनेजिंग द साइबर रिस्क, तो उसकी वजह से उनका बहुत सारा डेटा ब्रीच हो गया,
तो कस्टमर्स के जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी वो सब लीक हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, या फिर तो फिर इसकी वजह से कस्टमर्स विल बी श्योरली एंग्री, और उनके जो मार्केट है वो कम हो जाएगा मार्केट शेयर, और कस्टमर का जो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट भी हट जाएगा, ट्रस्ट कम हो जाएगा, मार्केट शेयर कम हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट हैविंग लॉसेस. ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे हमारी सारी रिस्क खत्म हो गई है. सबसे पहले हमने मार्केट रिस्क करा, उसके बाद क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी, बिजनेस स्ट्रेटेजिक, रेप्यूटेशनल. इतना रिस्क, सारे रिस्क समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी में भी एमसीक्यू आएगा फॉर श्योर, एक एमसीक्यू आएगा एग्जाम में. ये रीड हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देना, सब लोग आगे चल चलेंगे. लास्ट पोर्शन है इसके बाद. ओके चलो आगे चलते हैं. रिस्क फैक्टर इंटरैक्शंस ना, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एक मैंने इसलिए सब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा मैंने मार्क कर दिया, बहुत सारा मार्क के, बट एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना. इसमें क्या है ना, व्हाट इज अ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है व्हाट इज रिस्क फैक्टर? जिस चीज का रिस्क होता है, अच्छा हाँ करेक्ट. अब अलग अलग रिस्क फैक्टर होते सबके. अब इनकेस कोई सब जो भी रिस्क फैक्टर्स है वो सब कोरिलेटेड है. जैसे कहीं पे डिफॉल्ट रिस्क हुआ, जैसे कोई ग्रैनुलर फैक्टर, यहाँ पे देख लिखा है इन्होंने एग्जांपल में, ग्रैनुलर फैक्टर दैट दैट लीड्स टू डिफॉल्ट रिस्क फॉर लोन. जैसे कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जिसकी वजह से हमारे डिफॉल्ट रिस्क हुई लोन के अंदर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट रिस्क हुई बैंक को, और फिर वो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो डिफॉल्ट रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क की वजह से. देखो एक ग्रैनुलर फैक्टर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करे हो, ठीक है, नहीं इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज कर, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए हो मार्केट में जिसकी वजह से डिफॉल्ट के चांसेस बढ़े. डिफॉल्ट रिस्क हुई, डिफॉल्ट रिस्क की वजह से बैंक को क्रेडिट रिस्क हुई, क्रेडिट रिस्क की वजह से बैंक को ऑपरेशनल रिस्क हुई, फिर ऑप्स की वजह से उन्हें ऐसे ही आगे चलते गए, बिजनेस रिस्क हुई और फिर रेपुटेशनल रिस्क हुई. ये एकदम अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, कोरिलेशन हुआ रिस्क के बीच में. तो क्या हुआ, एक जो कंपनी होगी उसको सोचो एक साथ कितनी सारी रिस्क बेयर करनी पड़ी जस्ट बिकॉज एक फैक्टर में चेंज आया. तो ये जो फैक्टर होते हैं ना, इनको एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे यही लिखा है, रियलाइजिंग द पोटेंशियल फॉर कोरिलेशन बिटवीन रिस्क विल हेल्प रिस्क मैनेजर मेजर एंड मैनेज अनएक्सपेक्टेड लॉसेस विद मार्जिनली मोर सर्टेनिटी. अगर ये केस हो जाता है किसी कंपनी में तो सोचो उसके अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कितने हाई लेवल पे चले जाते हैं. इसलिए इसको मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, अ रिस्क मैनेजर शुड कुड कंसिडर हिस्टोरिकल कोरिलेशन बिटवीन आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स, फोरकास्ट द नेचर ऑफ दीज रिलेशनशिप्स टू मेजर द रिस्क प्लानिंग प्रोसेस. हिस्टोरिकल मैंने एक बताया था, याद है किसी को हिस्टोरिकल कोरिलेशन मैंने बताया था अभी पहले. हिस्टोरिकल क्या होता है, जब हम सिनेरियो एनालिसिस कर रहे थे और स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे थे तो याद है हम हिस्टोरिकल मेजर यूज करते, एक हिस्टोरिकल था, एक एस्टिमेटेड वेरिएबल था, किसी को भी याद है Yes, भाई। क्या होता है, एक बार बताओ मुझे. रोहित टेल मी. हम टू फैक्टर्स होते हैं उसमें, तो एक हिस्टोरिकल होता है, एस्टिमेट होते हैं, उससे हम टेस्ट करते हैं। हाँ बट हिस्टोरिकल में होता क्या, व्हाट इज हिस्टोरिकल मीनिंग क्या होता है? हाँ हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल प्रीवियस डेटा लेते हैं। हाँ प्रीवियस डेटा लेते हैं,
फिर उसके अंदर जो जो भी रिस्क फैक्टर्स तब थे, हम वो रिस्क फैक्टर्स को वापस से आइडेंटिफाई करते हैं, फ्यूचर में कभी वापस से ऐसी सिचुएशन आई तो ये फैक्टर्स कैसे कैसे रोल प्ले करेंगे और इसकी वजह से क्या क्या रिस्क आ सकती है, तो वापस से हम लोग वो सब एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम उसे कैसे रिड्यूस करेंगे। उसे बोलते हैं रिस्क प्लानिंग प्रोसेस। मतलब ये पूरा जो प्रोसेस करते हैं ना, इसे रिस्क प्लानिंग प्रोसेस बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है, अगेन ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है फॉर रिस्क मैनेजर्स, हाउ हम रिस्क को एग्रीगेट कैसे करें एंटरप्राइज लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम ERM कर रहे थे, हमने देखा था ना कि हमें डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे नहीं करना, हमें पूरा कंपनी लेवल पे करना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। टू कंसिडर द पोटेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन क्वान्टिफाइंग मार्केट रिस्क एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल स्टॉक वर्सेस डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। देखो, ये एक मार्केट रिस्क इंडिविजुअल स्टॉक और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में कितना डिफरेंस आ जाता है, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब बुक फोर करोगे ना तभी ये पार्ट समझ में आएगा। बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक ग्लैंस बता देती हूँ कि जैसे कोई इंडिविजुअल स्टॉक है तो उसके अंदर क्या वोलेटिलिटी चेंजेस इतने ज्यादा नहीं होते जितने डेरिवेटिव में होते, तो डेरिवेटिव में वोलेटिलिटी चेंजेस बहुत होते हैं, इसलिए हम लोग डेरिवेटिव को बोलते हैं डेरिवेटिव इज मोर कॉम्प्लेक्स और वोलेटिलिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होता है, जो नोशनल अमाउंट होती है ना ये रिस्क पे होती है, लेकिन डेरिवेटिव इतने सारे होते हैं कि नोशनल अमाउंट अप्लाई भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखा है नोशनल वैल्यू वोंट इवन अप्लाई। मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव रिजॉर्टेड बाय यूजिंग दिस बाय यूजिंग ऑप्शन ऑफ ग्रीक्स। अब ये ग्रीक्स का पूरा चैप्टर ही अपने इसमें, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो, बट हाँ ये जो डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव्स को टैकल करने के लिए हम ये ग्रीक्स यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो सब बुक फोर में पता चलेगा, बट ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इसको कैसे हम कम करें उसके लिए हम ग्रीक्स को यूज करते हैं। अभी यहाँ पे इन लोगों ने थर्ड पैराग्राफ में वार के ड्रॉबैक्स बताए, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, किसी को पता है वार में क्या कमी है। मैग्नीट्यूड एक 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 कोई भी के भी एक शिवम तुम बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस नहीं बताते। हाँ करेक्ट, मैग्नीट्यूड नहीं होता, जस्ट हमें एक थ्रेशोल्ड पता होता है, लेकिन किस मैग्नीट्यूड तक जा सकता है वो नहीं पता होता हमें, इसलिए इन लोगों ने बोला है। सबसे पहले तो वार का क्या है, फ्यू डिफरेंट वर्जन ऑफ वार यूज इन प्रैक्टिस। ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है ना, ये इसमें एक हिस्टोरिकल से हिस्टोरिकल सिमुलेशन होता है, और काफी सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, मोंटे कार्लो सिमुलेशन होते हैं, ये सब बुक टू और बुक फोर का मर्ज करके वहां पे आपको ऐसा मेथड्स पता चलेंगे। और सेकेंड होता है कि सिंप्लीफाइड अजम्पशन होते हैं बहुत, लाइक आपको जस्ट एक थ्रेशोल्ड लेवल पता होता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता होता कि कितना कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का हमें कोई भी अमाउंट पता ही नहीं होता है कि उसकी अमाउंट क्या हो सकती है, हमें जस्ट इतना पता हो सकता है कि एक अमाउंट को एक्सीड कर सकता है एक्सपेक्टेड लॉस को, इसीलिए हमें इसे कम करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टेल रिस्क तो हमें पता नहीं है तो हम इसे रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, पहले सिनेरियो एनालिसिस यूज करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग यूज करते हैं, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मैंने बोला था, याद है किसी को, पूरे चैप्टर में मैं बोल रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड लॉस को अगर कैलकुलेट करना है तो अनएक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल यूज करते हैं, यहाँ पे लिख लेना कहीं भी। हम ये यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मेथड है जिसकी वो जो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव मेजर ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल है, जो बहुत सारे रिस्क मैनेजर्स यूज करते हैं, दैट इज रे रॉक। अब रे रॉक का वो लोग आपको कुछ भी प्रैक्टिकली पूछेंगे, मेजरली वो ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं थियोरी क्वेश्चन, और अगर पूछेंगे भी तो दे विल जस्ट आस्क कि रे रॉक क्या होता है। सबसे पहले तो रे रॉक, जैसे मैंने कोई भी रिस्क ले रखी है, ठीक है, और मुझे उसके बेसिस पे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट में से मैंने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कोई कॉस्ट पक्का लगाई होगी, तो वो जो कॉस्ट होती है ना वो रिड्यूस करके हमारा कितना प्रॉफिट है उसे हम लोग बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। के जो रिटर्न है उसमें से मैंने रिस्क को एडजस्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट यूज करी है ना उसे रिड्यूस करके
मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट इज नोन एज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। और इसके चार प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। सबसे पहला है बिजनेस कंपैरिजन। जैसे कोई दो बिजनेस यूनिट है तो उनके उनके जो इकोनॉमिक लेवल्स, इकोनॉमिक कैपिटल के लेवल होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उनको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है रेडॉक। फिर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कि मुझे कहाँ पे, मुझे कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। कोई नया प्रोडक्ट बना रही हूँ तो वो कितना एफिशिएंट होगा, उससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने रिस्क को, कितना रिस्क इवॉल्व करके, मतलब जैसे कोई रिस्क है तो वो रिस्क को लेके मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो एनालिसिस मिलता है। फिर प्राइस स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट है तो उसकी मैं क्या प्राइस डिसाइड करके रखूँ, वो भी रेरो की वजह से पता चलता है। और सबसे मेन तो रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेज करने के बाद कितना रिटर्न आएगा वो सब रेरो से पता चलता है। तो ये चार जो एप्लीकेशन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जस्ट लर्न कर लेना एक बार। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार ये पार्ट रीड कर लो, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बट एक बार रीड कर लो। मैं देती हूँ, 6:30 तो हो ही गया है वैसे, बट रीड कर लो एक बार। रीड करके कोई डाउट है तो पूछ लो, कल या आखिरी के क्वेश्चंस कर लेंगे, या कर ले, टाइम है तो क्वेश्चन कर लेते। 3 ही क्वेश्चन है, ये रीड आप लोग बाद में कर लेना। कर ले, तीनों एक एक करके आंसर देना, ठीक है? चल, चार है ना, ठीक है, चलो एक एक करके आंसर देना। मैं बोलूंगी, इन कंसिडरिंग द मेजर क्लासेज ऑफ रिस्क, विच रिस्क वुड बेस्ट डिस्क्राइब एन एंटिटी विथ वीक इंटरनल कंट्रोल्स। ये मैंने बोला था, वीक इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ पे होते हैं? इसमें से दैट कुड बी सर्कमवेंटेड विद अ लाइक सेग्रीगेशन ऑफ, अच्छा बोल ही दिया आंसर थी। चलो ओके, अभी ये वाला आप लोग रीड करो एक बार। इसमें क्या है ना, एलबीआई है, एलबीआई ने लोन दिया है WMIA को, लोन दिया है 1 मिलियन का, ठीक है? 1 मिलियन का लोन दे हैव गिवन, और उसको सिक्योर कर रखा है एक कोलेटरल से जो लैंड है, और लैंड की वैल्यू रिड्यूस होकर 8 लाख हो गई। और वो जो जो कंपनी है WMI है, ये पे करने की कंडीशन में नहीं है। तो कौन कौन सी दो रिस्क हो सकती है, एक बार रीड करो ये क्वेश्चन। कैश फ्लो डिफिकल्टीज आ रही है, बी नहीं, आई थिंक ए इज द आंसर। और सबको क्या लगता है, सब बताओ। ए इज द करेक्ट वन। मैं बताती हूँ एक बार कैसे। देखो, सेटलमेंट रिस्क यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वो तो पे करने को ही रेडी नहीं है। पे कर दे तो हमें कुछ पता चले कितना सेटलमेंट होगा, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन है कि WMIA कोई पे ही नहीं कर रहा कुछ भी। आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही है, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार शिवम पढ़ लेना। थर्ड का भी आंसर दिख गया ना इसकी वजह से, बट स्टिल रीड कर लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटिव टू रिस्क एग्रीगेशन। एंटरप्राइज लेवल रिस्क शुड बी रिड्यूस टू अ सिंगल नंबर। ये तो बिल्कुल भी राइट नहीं है, ठीक है? क्योंकि वार तो कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सिंपलिस्टिक आंसर देता है, तो कोई भी इसे यूज ही नहीं करना चाहता वार को। फिर रिस्क एग्रीगेशन इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। नहीं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स तो इन नेचर खुद ही कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत। फिर मेजरिंग डिस्पर्शन यूजिंग ऑप्शन ग्रीक्स कैन स्ट्रीमलाइन रिस्क एग्रीगेशन प्रोसेस। नहीं, ग्रीक्स को यूज करते हैं तो हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव्स इंप्रूव कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स के जो ट्रेड है वो इंप्रूव कर सकते हैं। रिस्क एग्रीगेशन प्रोसेस थोड़ी पूरी की पूरी सही हो जाएगी। दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमें पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जो होता है वो हमें अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का वैल्यू बताता है। समझ में आई सबको? पूरा चैप्टर इज क्लियर फॉर यू ऑल? यस मैम। ठीक है, अभी
कल हम एक बार इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तो, बट सेकंड चैप्टर से चालू तो कर देंगे। ठीक है, अभी देवांश आप मई के हो ना, आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो। मैं एक बार नवंबर वालों से थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर मीटिंग एंड करूंगी, रहना है तो रह भी लो। शिवम कितना पोर्शन खत्म हो रहा है, क्या सिचुएशन है एक बार बताओ। मैम है ना, क्या बोलते हैं वो जो अभी क्यूए में तो लाइव क्लास के साथ में हो गया आज से। थर्ड अच्छा, और वीआरएम और थर्ड बुक का क्या है? बुक वीआरएम और एफएमपी में थोड़ी है, एफएमपी का भी हो जाएगा, वीआरएम में बहुत थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, उसमें पेंडिंग है तो क्लास में नहीं खत्म हुआ है क्या? फिर क्लास में खत्म हो गया है। पता नहीं मेरे को तो, मैंने तो बता। अच्छा ठीक है, मुझसे एक बार कुछ डाउट रहता है तो पूछ लेना, बट चल रही है ना पढ़ाई अच्छे से? फुल डे पढ़ाई हो रही है ना? हाँ, एमसीक्यू नहीं हो रहे बस। एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करके होंगे। आई वुड सजेस्ट कि अगर बहुत टफ लग रहा है तो पहले एनालिसिस प्रेप प्रैक्टिस करो, उसके बाद वो टफ वाले प्रैक्टिस करो। ठीक हाँ रोहित, व्हाट इज योर सिचुएशन? चल रहा है अच्छे से सब? इसमें हो रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट है अभी वो एक एमसीक्यू बोला ना, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं हेल्प कर दूंगी उसमें। हाँ यश, यश कैसी चल रही पढ़ाई? हो रही मैम। हो रही है ना अच्छे से? किसी को कुछ भी डाउट लगता है, कभी भी नहीं मोटिवेटेड फील होता है, बात कर लेना एक बार, जस्ट कॉल मी। ओके एंड करें क्लास को अभी। चलो एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।